उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे बीच में मौजूद लोकप्रिय प्रत्याशी माननीय कृपा शंकर जी, लोकप्रिय प्रत्याशी श्री डीपी सरोज जी, हमारे लोकप्रिय सांसद आजमगढ़ जिनको आपने अभी सुना है, भाई निरहुआ जी, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय मंत्री भाई गिरीश यादव जी, राज्यसभा के मेंबर माननीय प्रतिभा द्विवेदी जी, विधायक अवधेश सिंह जी, विधायक रमेश मिश्रा जी, रमेश सिंह जी, पूर्व सांसद माननीय हरबंश सिंह जी, पूर्व विधायक रहे लीना तिवारी जी, जिलाध्यक्ष पुष्पराज सहित सभी जितने मंच पर मौजूद सम्मानित मंच और सामने उपस्थित इस चिलचिलाती धूप में आए हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों, सबसे पहले मैं आप के लोगों की तरफ से आज के चीफ गेस्ट आपके मुख्य अतिथि लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री जी का आज मंच के तरफ से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, बहुत देर से लगभग 10 बजे से आप लोग यहां बैठे हैं और इस चिलचिलाती धूप में जब लोग घर से बाहर निकलना लोगों का मुश्किल होता है, तब से आप इस मैदान में जमे हैं और इस बात के सबूत है इस चिलचिलाती धूप में आना कि अब दुनिया की कोई ताकत जो है जौनपुर की दोनों सीट को जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। 100% यहाँ की दोनों सीट निकल रही है। और साथियों, इतनी जबरदस्त गर्मी के बाद भी आपका शांति का जो प्रदान कर रहे हैं, शांति का ये संदेश देता है कि आने वाले दिन में बहुत लोगों की गर्मी भी शांत होने वाली है, इसको भी कोई रोक नहीं पाएगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि साथियों, अभी मैं सीमा जी को सुन रहा था, माननीय राज्यसभा सांसद है, कि कृपा शंकर जी को कुछ लोग कहते हैं कि बाहरी है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, जन्म कुंडली जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं उनका जन्म कुंडली जरा मंगा लीजिए, जन्म प्रमाण पत्र कोई मिलेगा मध्य प्रदेश का बॉर्डर का तो कोई मिलेगा हैदराबाद का, असली यहाँ का माई का लाल केवल कृपा शंकर जी है जो इसी मिट्टी में पैदा होकर के मुंबई में जाकर के भी आपके सम्मान और हिफाजत के लिए काम करते हैं। आज आपके बीच में कृपा शंकर जी आए हैं। जब मुंबई की नगरी में जाते हैं, अरे बहुत लोग यहाँ पे घूमने जाते हैं, कमाने जाते, कमा के आए हैं, जब वहां के लोग कहते हैं भैया, जब भैया कह करके आपको ठोकर मारी जाती है, तब जौनपुर के लोगों तो वहां कृपा शंकर सिंह याद आते हैं जो मुंबई की धरती पे जाकर के भी जौनपुर के लोगों के सम्मान को बढ़ाने का काम किया। और तुम कहते हो बाहरी हो, अपना जन्म प्रमाण पत्र जरा भिजवा दो, कौन कहाँ का रहने वाला है। इसलिए साथियों, ये देश की सियासत में साजिश है। क्यों? क्योंकि आपने नारा दिया है 400 पार का। मैं गया था अभी पिछले 10-15 दिन पहले, मैं आया था जौनपुर में, मुझे तो खुशी है, भाग सिंह चौहान मेरे साथ थे, 500 चौहान बिरादरी की महिलाएं थी। जब हम लोग गाड़ी से जब उतरे, महिलाएं कह रही हैं चौहान बिरादरी की कि अब की बार 400 पार। उसी दिन मैंने मन बना लिया कि अब दुनिया की कोई ताकत जौनपुर की दोनों सीट को जीतने से रोक नहीं पाएगा। साथियों, आज जो मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश का विकास हुआ, आज दुनिया के सबसे ताकतवर नेता
आदरणीय मोदी जी जो दुनिया के किसी भी शक्तिशाली मुल्क में जब जाते हैं, इसके पहले भी प्रधानमंत्री थे, जब डोली के पिछले कहार होते थे, आज मोदी जी आज अमेरिका रसा कही ताकत तो मुल्क में जाते हैं, तो डोली के पिछले कहार नहीं बल्कि डोली के अगले कहार बन के आगे बढ़े चलो का नारा देते हैं तो दुनिया उनके साथ कदम ताल करती है। इसलिए मेरी आपसे अपील है, तमाम सारी योजनाओं की बात मैं विस्तार से नहीं बताना चाहता, लेकिन इतना जरूर जानना चाहता हूँ, आज पूरे देश और दुनिया की निगाह इस देश के चुनाव पे लगा है, क्योंकि लोगों को लगता है जो विकसित भारत का जो कल्पना है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का संकल्प जो आपने लिया है, और इसलिए आज तुलना करिए सारे मुल्कों का, आज बगल का पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, जहाँ खाने के लाले पड़े हैं, आटे के लिए लाइन लग रही है, आज वो है प्रधानमंत्री मोदी जो सबके घर राशन पहुंचा रहा है। कुछ लोगों को तकलीफ होगी क्योंकि मोदी जी किसी बड़े बाप का बेटा नहीं, मोदी जी गरीब माँ के कोख से पैदा होकर के आपके आशीर्वाद से दुनिया के ताकत मुल्क ताकतवर मुल्क का प्रधानमंत्री है। आज मोदी जी ने आज गरीबों के सम्मान की हिफाजत की है, आज किसी के दरवाजे पर कोई हाथ नहीं फैलाता, 20,000 रुपए कर्ज नहीं मांगता, अपने बेटे के इलाज के लिए 5 लाख का उन्होंने बीमा करवा दिया आपके लिए, दुनिया के सबसे बड़ा जो कार्यक्रम है मेडिकल के क्षेत्र में, आपको हर महीने गरीबों को फ्री में आवाज मिल रहा है। लोगों को तकलीफ उनको होगी जो गरीब लाइन होकर के सवेरे खड़ा हो जाता था, आज मोदी जी के आशीर्वाद से आज गरीब स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी जी रहा है। इसे लोगों की साजिश है मोदी को हटाने के लिए, लेकिन साथ में कहना चाहता हूँ दुनिया की देश की सारे गरीबों की दुआएं आज मोदी और योगी जी के साथ है, 80 की 80 पार्लियामेंट की सीटें जीत करके दिल्ली पहुंचने वाला है। मैं सुन रहा था माननीय सांसद जी सीमा द्विवेदी जी कह रही थी, तब तक डिप्टी सीएम सब आ गए, यह हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मोदी जी कोई आम आदमी नहीं, आपने देखा होगा इसके पहले जब जाते थे पिछली लाइन में बैठते थे, आज मोदी जी जाते हैं दुनिया के सामरिक दृष्टि से भी जो मजबूत है, आज वहां का राष्ट्राध्यक्ष भी आज उनकी अगवानी में खड़ा रहता है, तो मोदी जी कोई अपने सम्मान की बात नहीं कहते, कहते हैं 140 करोड़ जनता का सम्मान है, वह ताकतवर प्रधानमंत्री। आपने देखा कि जब इसी बगल के मुल्क जो पाकिस्तान है, जब स्ट्राइक एयर स्ट्राइक हुआ था, वही बात उन्होंने शुरू किया था, तब तक हल्ला हुआ, जब अभिनंदन पहुंच गया वहां गलती से, अभिनंदन सिंह पहुंच गया वहां पाकिस्तानियों के बीच में, तब पूरा देश एकदम से सदमे में था कि हमारा अभिनंदन हिंदुस्तान में वापस नहीं आएगा, और किसी के बस की भी बात नहीं थी, लेकिन मोदी जो 56 सीना वाला आपकी ताकत जिसने ताकत दिया आपके आशीर्वाद ने, मोदी जी ने एक ही ऐलान किया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कान खोल के सुन लो, अगर कल सुबह तक भारत की सीमा में हमारा अभिनंदन अगर दाखिल नहीं हुआ तो परसों दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान को खोजना पड़ेगा, वह हमारा प्रधानमंत्री है। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि साथियों, क्योंकि वक्त की कमी के नाते हम अपने मुख्य अतिथि को विस्तार से सुनना चाहते हैं, फिर मैं जौनपुर से आना जाना मेरा लगा है, मैं घूम चुका हूँ, फिर भी मैं जहाँ जहाँ जाना होगा भाई बीपी सरोज जी का और माननीय कृपा शंकर जी को जिताने के लिए जितनी ताकत दारा सिंह चौहान की होगी, आज पूरे पिछड़े समाज का एक एक वोट, अगले समाज का एक एक वोट, चाहे चौहान हो, राजभर हो, निषाद हो, बिंद हो, पाल हो, पटेल हो, निरहुआ बैठे हैं, मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ जो गणित लगाते होंगे, जो साजिश के शिकार हो गए, आज उत्तर प्रदेश में जो सबसे मजबूत पार्टी समाजवादी पार्टी कहती है, सबसे मजबूत पार्टी पूर्वांचल की सबसे मजबूत सीट कौन है, आजमगढ़, सबसे मजबूत सीट है आजमगढ़, और वह भी आजमगढ़ सीट बाय इलेक्शन में तो दिनेश लाल निरहुआ जीते हैं, इस बार भी भारी बहुमत से दिनेश लाल यादव जीतने जा रहे हैं। जब आजमगढ़ हरा सकते हैं तो जौनपुर में किसी का अता पता लगेगा नहीं, इसलिए मेरी आपसे अपील है
मेरी आपसे गुजारिश है कि 25 मई को कमल के निशान के बटन दबा करके केवल जिताना नहीं है बल्कि भारी बहुमत से जिता करके मोदी और योगी के ताकत को हाथ को मजबूत करके फिर तीसरी बार दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री बना करके देश की तीसरी महाशक्ति आर्थिक क्षेत्र बना करके विश्व गुरु बनाने का संकल्प हमको पूरा करना है। इन्हीं सारे शब्दों के साथ पुनः आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।